कोरबा के सीएसईबी कॉलोनी में अनाधिकृत रूप से रहने वालों के खिलाफ युवक कांग्रेस ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दिया है। युवक कांग्रेस का कहना है कि प्रबंधन की मनमानी, अवैध रूप से लोगों को क्वार्टर दिया गया है। वर्ष 2016 से सीएसईबी द्वारा क्वार्टर अलॉटमेंट बंद कर दिया गया है। एक व्यक्ति द्वारा 5-5 आवास कब्जा कर किराया में चलाया जा रहा है। युवा कांग्रेस ने 16 अक्टूबर को प्रबंधन को ज्ञापन सौंप कर मांग की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर जूनियर क्लब सिविल ऑफिस के सामने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल युवक कांग्रेस के बैनर तले किया जा रहा है। युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नितिन चौरसिया ने बताया कि अवैध रूप से सीएसईबी के आवासों में लोग रह रहे हैं, जो जुआ, शराब और अन्य अवैध कार्य कर रहे हैं। जब तक लिखित आश्वासन अधिकारियों द्वारा नहीं मिलेगा, तब तक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी रहेगा। कोरबा जिला युवा कांग्रेस के द्वारा सीएसई प्रबंधन की जो मनमानी है, जो अपने मनमाने तरीके से अवैध रूप से जो अपने आवासों में जो सीएसपी के जो क्वार्टर्स हैं, आवास है, इनमें इलीगल अनाधिकृत व्यक्तियों को घुसा के रखे, क्योंकि हम जो जानकारी हमको मिली है कि 2016 के बाद से जितने भी गैर अशासकीय शासकीय लोग थे उनको अलॉटमेंट हो रहे थे, लेकिन 16 के बाद से अलॉटमेंट होना बंद हो गया था। लेकिन उस 2016 के बाद से तब भी ना आज कम से कम सैकड़ों की संख्या में जो परिवार वहाँ रह रहे हैं, या तो एक आदमी 5-5 क्वार्टर पर कब्जा करके वेजा कब्जा के हिसाब से किराए पर चढ़ा के रखा है, या फिर शराबखोरी का अड्डा, यासी का अड्डा बना के रखे हैं। तो इसी के विरोध में आज युवक कांग्रेस द्वारा ये भूख हड़ताल सांकेतिक की गई है, और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है, प्रबंधन के द्वारा कोई आश्वासन, कोई लिखित आश्वासन नहीं मिलता हमको, तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। कर्मचारी जो रह रहे हैं उनको तो परेशानी होती है, जो इनलीगल लोग जो वहाँ पर रहते हैं उनकी गुंडागर्दी कुछ ज़्यादा अपने चरम पे है, क्योंकि अब शासकीय लोग जो रहते हैं वो नौकरी चाकरी और बीवी बच्चे परिवार वाले होते हैं, तो उनसे ज़्यादा उलझना नहीं चाहते। लेकिन जो बाहरी व्यक्ति हैं वो अपने 4 लोगों के दम पे गुंडागर्दी करते हुए बल्कि उल्टा इन्हीं लोग को चमकाते हैं, इन्हीं लोग को डराते हैं, धमकाते हैं, और एक आदमी 5-5 क्वार्टरों को अपने कब्जे में रखकर ये सब एकदम गलत है। और पूरा प्रबंधन खिलाफ हमारी भूख हड़ताल जारी रहेगी। हमने प्रबंधन को 16 तारीख के ज्ञापन में स्पष्ट रूप से कहा था कि इसमें उचित कार्रवाई करने की कृपा करें, लेकिन उनके द्वारा ऐसा कोई आश्वासन, कोई जवाब हमारी तरफ हमारे पास नहीं आया है। इसलिए हमने जो घोषणा की थी कि 20 तारीख को युवक कांग्रेस के द्वारा भूख हड़ताल की जाएगी, और आज उसी सिलसिले में ये अभी तक अधिकारी की तरफ अधिकारी पुष्टि यहाँ पर कुछ नहीं हुई है, ना कोई अधिकारी आया है, क्योंकि हमारा ये हड़ताल है जूनियर क्लब सब डिवीजन ऑफिस के सामने है। यहाँ सिविल ऑफिस भी लगातार है, वो लगा हुआ है, जहाँ पे वहाँ के जो संबंधित अधिकारी पदाधिकारी हैं, जो भी है, जो पूरी कॉलोनी का रखरखाव मेंटेन और उनकी देखरेख में कितने लोग रहते हैं, कितने लोग बाहरी हैं, सब जानकारी उनके पास है। बिना किसी के मिली भगत के ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये अधिकारी डायरेक्ट अपना हाथ नहीं फंसाते, लेकिन उनके बीच में जो मीडिएटर लोग जो रहते हैं वो किसी न किसी दलाली के माध्यम से, क्योंकि बिना अधिकारियों की मिली भगत के बिना ये संभव नहीं है। आप किसी की संपत्ति पे अपना अधिकार नहीं जमा सकते जब तक कि आपके ऊपर कोई उचित संरक्षण प्राप्त ना हो। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया की रिपोर्ट।